जहां कांग्रेस पार्टी की आज लिस्ट आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी बाकी 11 सीटों पर ऐलान करने वाली है। टिकट न मिलने पर प्रदेश भाजपा में लगातार बगावत के सुर भी उठ रहे हैं। बाकी बची हुई 11 सीटों पर दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। किसको टिकट दिया जाएगा, ये लिस्ट आने के बाद पता चलेगा। द्वाराहाट में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने बगावत कर अपना इस्तीफा दे दिया है। रानीखेत से प्रमोद नैनवाल ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हर किसी के बीच सामंजस्य बिठाकर किस तरीके से जो 11 बचे हुए नाम है, 11 सीट है, उन पर किस किस को उतारा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी में आमतौर पर देखा जाता है कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश हर तरफ से की जाती है, लेकिन इस बार बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। भाजपा के द्वारा उत्तराखंड में 59 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। मेरे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं। राज्य के कई ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां से विरोध देखने को मिला, पार्टी प्रदेश कार्यालय पर भी कुछ समर्थक पहुंचे, अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर जहां जिनके टिकट कटे हैं वहां पर विरोध है, इसको किस तरह से थामने की कोशिश होगी संगठन की? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के अपने पैरामीटर्स होते हैं टिकट देने के, और उन सब में से सारे योग्य प्रत्याशी हैं, उन योग्य प्रत्याशियों में से एक योग्यतम प्रत्याशी का चयन करना, ये केंद्रीय नेतृत्व के अपना पैरामीटर्स होते हैं, उस पर चयन होता है। लेकिन बाकी सब जो लोकतंत्र होता है, पार्टी में टिकट मांगते हैं, ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है, उन सबको बैठ कर बातचीत करके हम लोग समझाएंगे। सर, 10 लोगों के टिकट कटे हैं और जबकि 11 विधान जो सीटें हैं उनके लिस्ट अभी रोकी गई है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी भाजपा की है? ये सब केंद्रीय नेतृत्व ही तय करता है। हम लोग तो जितने नाम आए सारे नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे हैं, उन्होंने अपने पैरामीटर्स के आधार पर तय किया है। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ उनकी पैरामीटर्स होंगे जिसके आधार पर निर्णय लिया गया। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी।